अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और आज हम एडविन पैनल को कंप्लीट करेंगे। इसी कंप्लीट जो चीज़ें इसमें रहती हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो एक हमारे पास रहता है क्लॉथ लिस्ट, कॉस्मेटिक लिस्ट, प्रोडक्ट को किस तरह ऐड करेंगे, ऐड प्रोडक्ट एंड इंक्लूड फोल्डर में जो हमारे पास जो तीन फाइल हैं, हेडर, जेएस एंड साइड बार, उसको हम देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इंक्लूड फोल्डर के अंदर जो हमारे पास है उन चीज़ों को देखते हैं। हमारे पास इंक्लूड फोल्डर के अंदर हमारे पास है हेडर पेज, जेएस एंड हमारे पास है साइड बार। तो हमारे पास पहले हेडर में हमारे पास है क्या, हेडर में हमारे पास नेव टैग हमने यूज़ किए नेविगेशन के लिए, ठीक है, बूटस्ट्रैप की ये क्लासेस हमने यूज़ की हुए हैं इसमें, और ये हमारे पास पूरी उसकी ये लिस्ट है, ये हमारे पास हेडर है, ये एडमिन पैनल और ये शॉर्ट कॉड है, ये इसको हमने क्या किया मेन पेज पे हमने इसको सिर्फ इंक्लूड किया, इंक्लूड फोल्डर में डाल किए। तो इसमें हमारे पास और कुछ इतना ख़ास है नहीं। यहाँ पे हमने लिखा है एडमिन पैनल जो है, जो कि हमारे पास हेडिंग है यहाँ पे ये, और यहाँ पे सेटिंग वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है js.php, इसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। हम ये नहीं करते, ये रियूजेबिलिटी के लिए हम करते हैं। ये इंक्लूड फोल्डर में जो फाइल्स हैं हमारे पास, जो तीन फाइल है हमारे पास, एक दो तीन, ये पेज के हर एक एडमिन के हर एक पेज पे हमारे पास मौजूद है। अगर हम देखें इस पेज पे भी हेडर मौजूद है, साइड बार और इसका जावास्क्रिप्ट मौजूद है, इस पेज पे भी, इस पेज पे भी। तो हर एक पेज पे इसको बार बार लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, हम इंक्लूड फोल्डर में डालते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, सिर्फ इंक्लूड फंक्शन के साथ हम इसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो ये दूसरा हमारे पास है जावास्क्रिप्ट कोडिंग, और तीसरा हमारे पास है साइड बार। साइड बार में हमारे पास जितने भी ये चीज़ें हैं, एक दो तीन चार पाँच, जितने भी ये इसके लिंक्स हमने डाले हुए हैं यहाँ पे, मतलब अगर हम ऑर्डर पेज पे जाते हैं तो हमने किया कि लोकल लोकेशन HRF ऑर्डर पेज पे करो, हमने बटन लिया हुआ है, बटन की क्लासेस हाइट वगैरह हमने सेट की हुई है यहाँ पे इसमें। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऐड प्रोडक्ट की तरफ हम जाते हैं। ऐड प्रोडक्ट हमारे पास क्या पेज है, ऐड प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। लेट्स सपोज अगर प्रोडक्ट का नाम है येलो, या लेते हैं कोई भी कोई चीज़ देते हैं, ABC का देते हैं, डिस्क्रिप्शन है इसकी ABCD हो गई है, कोई भी पिक्चर आप ऐड कर सकते हो, ये पिक्चर हमने ऐड कर ली है। इसकी प्राइसिंग, इसकी कंपेयर प्राइस हमारे पास क्या है, या हमारे पास ड्रेस है, वेंडर हमारे पास कौन सा ब्रांड है, ये पोलो ब्रांड है, ये समर की कोई शर्ट्स वगैरह है, तो इसको क्या करते हैं, ऐड प्रोडक्ट करते हैं। अच्छा, बीच में अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं एक सर्कल सा था, ठीक है, जो कि हमें ये दिखाता है कि योर फाइल इज लोडिंग, लोडिंग का फंक्शन था। ये हम इस पेज में करते हैं सबमिट पेज में, सबमिट फॉर्म। जब भी हम ऐड पेज से, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट पेज कहाँ पे, एक ओपन कर देते हैं ऐड प्रोडक्ट। अच्छा, ये हमारे पास ऐड प्रोडक्ट पेज है। पहले तो हम चेक सेशन इंक्लूड किया, जिसके लास्ट लेक्चर में मैंने चेक सेशन क्लियर करवाया था कि किसी के लिए यूज़ होता है। कनेक्शन है हमारे पास, एयर रिपोर्टिंग हमारे पास यहाँ पे जरूर की कि कोई रिपोर्ट ना है हमारे पास एयर की। ये हमारे पास डेटा सबमिट, जो हमने फॉर्म सबमिट करते हैं यहाँ पे, ये फॉर्म, ये पूरा फॉर्म की कोडिंग है यहाँ पे, यहाँ से सबमिट हो के ऊपर आती है यहाँ पे, यहाँ पे वेरिएबल्स में कन्वर्ट होती है, यहाँ पे पिक्चर की कोडिंग है। फिर हमारे पास पिक्चर में हमारे पास क्या है कि पिक्चर का नेम, टाइप, उसका टेम्प नेम और साइज नेम हम क्या करते हैं, उठाते हैं, ठीक है, फाइल्स के फंक्शन के थ्रू, ठीक है, और उसके ऊपर हम यहाँ पे फंक्शन इफ़ कंडीशन देते हैं कि अगर पिक्चर हमारे पास image.jpg फाइल फॉर्मेट में है, या jpg है, या png पिक्चर है, या gif पिक्चर है हमारे पास, तो वो अलाउ हो सकते हैं। यहाँ पे हम पिक्चर की साइज़ दे सकते हैं, ठीक है, कि कितना साइज़ हो उसका, केबीज में हमारे पास अकाउंट होता है। पिक नेम हमारे पास टेम्प्रेरी नेम होते हैं, असल में हम डेटाबेस में पिक्चर सेव नहीं कर रहे, हम एक फोल्डर में पिक्चर सेव कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, इमेजेस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास कहाँ पे, ये हमारे पास इमेजेस में प्रोडक्ट यहाँ पे, अब हमने ये वाला पिक्चर ऐड किया हुआ था, सही है, तो ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, बजाय ये कि हम डेटाबेस में इसको ऐड करें, सेव करें, हम अगर फोल्डर में करें तो हम इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये यहाँ से हम करते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पिक्चर है उसका सिर्फ टेम्प्रेरी नेम डेटाबेस में स्टोर करते हैं, और उसका जो फाइल है, जो पिक्चर है, वो हम फोल्डर में जाके सेव करते हैं। SQL क्यूरी है, इसके इंसर्ट क्यूरी हम लगाई हुई है, इस पर किस चीज़ के लिए, हमने प्रोडक्ट को ऐड करने के, उसका नेम, इमेज, डिटेल वगैरह सारे इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐड प्रोडक्ट, जब भी हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने फॉर्म पे दिया हुआ है एक्शन, कहाँ पे लो, ऐड प्रोडक्ट पे पेज पे एक्शन नहीं रहता है यहाँ पे। जब भी हमारे पास सबमिट हो के जाता है, किस चीज़ पे, सबमिट फॉर्म पे जाता है, यहाँ पे वो सक्सेस मैसेज आता है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा
जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगाया हुआ है कि ये ऑटोमेटिकली ये फॉर्म क्या सबमिट है। इस पेज पे सिर्फ ये होता है हमारे पास कि हमारे पास ये ऑर्डर आ जाता है कि यार प्रोडक्ट ऐड हो गया है। प्रोडक्ट ऐड होते हुए अगर पिक्चर हमारे पास बढ़िया या उसको नेट हमारे पास स्लो है तो ये हमारे पास क्या दिखाता है, ये हमारे पास वो लोडिंग फंक्शन पिक्चर वो दिखाता है जो कि हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और फिर इसको रीडायरेक्ट करता है कहाँ पे, इंडेक्स पेज पे रीडायरेक्ट करता है, सही है। अच्छा फिर हमारे पास है प्रोडक्ट लिस्ट, एक हमारे पास है क्लॉथ लिस्ट, ठीक है, जिसमें सारे हमारे पास अगर हम डेटाबेस में किसी प्रोडक्ट का हमने यहाँ पे ड्रेस दिया हुआ था तो यहाँ पे ड्रेस आया हुआ है, ठीक है। अगर क्लॉथ्स पे जाए, सही है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेक सेशन है, कनेक्शन है, फाइल है, गेट एक्शंस, सही है, हम यहाँ पे क्यूरी लगाते हैं क्यूरी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, व्हाइल लूप लगाते हैं, ठीक है, सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, वो प्रोडक्ट आईडी, वो प्रोडक्ट नेम, प्राइस, उसका सेलेक्ट करो जहाँ पे प्रोडक्ट टाइप लाइक ड्रेस, जिस जहाँ पे हम प्रोडक्ट टाइप का ड्रेस दें तो क्लॉथ्स में वो सारे ड्रेसेस आएंगे। व्हाइल लूप लगाओ और सारे उसको क्या करो, फेच करो। कॉस्मेटिक में आपने क्या करना है, कॉस्मेटिक लिस्ट में आपने सिर्फ जस्ट जाके आपने इस प्रोडक्ट टाइप को चेंज करना है। अगर किसी प्रोडक्ट का टाइप हमारे पास कॉस्मेटिक हो तो वो इसकी लिस्ट में आए। अगर हम और भी लिस्ट बनाना चाहें यहाँ पे किड्स लिस्ट बनाए तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जाके सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ किड लिखना है, ठीक है। क्या प्रोडक्ट टाइप हमारे पास क्या है, किड्स के हैं या मेंस के या जेंट्स के, जिसके भी हैं। तो ये हमारे पास इसकी ओवरऑल कोडिंग थी इस एडमिन पैनल की। तो आज हमने ये तीनों कवर किए हैं इसमें सारे, ये भी हमारे पास, ठीक है। और क्या रहता है, अच्छा ये हमारे पास इसकी कंप्लीट कोडिंग मैंने लिंक दी हुई है अपनी वेबसाइट की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ जाके उस वेबसाइट से अपना ये इसकी सोर्स कोड डाउनलोड करें, और अगर कोई इशू हो तो कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताएं।